सो गाइस स्वागत है WWE 2K23 के एक ब्रांड न्यू मैच में। तो मैच भाई होने जा रहा है कोडी रोड्स वर्सेस ब्रोक लेसनर। और जैसे कि यार आप देख ही सकते हो ये मैच हो रहा है समर स्लैम डिट्रॉइट में। तो देखते हैं भाई कौन किस पे भारी पड़ेगा। कोडी रोड्स भी यार देखो प्लेयर काफ़ी ज़्यादा सही है, और कोडी रोड्स का भाई जो फिनिशर है क्रॉस रोड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। पर यार देखो ब्रोक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीस्ट है। 2K23 में भाई ब्रोक को हराना यानी बहुत बड़ी बात है भाई। अगर किसी ने ब्रोक को हरा दिया तो बंदा काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक माना जाएगा। देखते हैं भाई कोडी इस चीज़ को झेल पाएगा या नहीं। वैसे ब्रोक का आगे भाई देखो अभी तक तो कोई बंदा टिका नहीं है। जितने भी मैच खेले हैं ब्रोक के साथ तो ब्रोक ने सबको भाई धूली चटा दी है। कोडी के साथ भी देख लेते हैं भाई क्या होने वाला है। वैसे देखो कोडी यार भारी तो पड़ रहा है बंदा, स्टार्टिंग से मार रहा है। देखो ब्रोक की हेल्थ भाई रेड हो चुकी है और कोडी की भाई फुल हेल्थ है। फंसा के पिन, चलो बहुत सही किक आउट कर दिया स्टार्टिंग में। ये देखो भाई क्लोज लाइन काफ़ी ज़्यादा सही ब्रोक की तरफ से। ये पंच, यानी ब्रोक ने कमबैक करना स्टार्ट कर दिया है। स्टार्टिंग में तो पिटा है भाई बंदा, पर अब जो बंदे ने कमबैक किया है तो काफ़ी ज़्यादा सही है। देखो भाई सब मार रहा है। ओ भाई साहब कोडी का रिवर्स, ब्रोक के पंचिस, कोडी कुछ तो मार भाई। कोडी ने स्टार्टिंग में सही खेला है भाई, अब तो पिटने लगा बंदा। ब्रोक का आगे टिकना भाई बड़ी बात है। ब्रोक का आगे अगर कोई टिक जाए तो फिर क्या ही सीन है। अरे फिनिशर लगा, अरे सिग्नेचर भी यूज़ कर लिया बंदे ने। ओ भाई साहब सिग्नेचर सेट कर दिया है। देखो पिन तो होने वाला नहीं है क्योंकि रेजिलेंस भी है बंदे के पास अभी, तो अभी तो पिन होगा नहीं। एक आधा फिनिशर तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा भाई। कोडी इतनी जल्दी तो बंदा जाएगा नहीं। ब्रोक भी खतरनाक है, क्या करने वाले भाई। कोडी कोडी कुछ तो करो, ऐसा खतरनाक सीन करो कोडी। ओहो अरे भाई साहब बंदा बोल दिया पूरा। कोडी रोड्स के यार सिग्नेचर और फिनिशर मुझे मस्त लगते हैं भाई। बंदा यार गज़ब मारता है। एक कोडी कटर जो है ना सिग्नेचर में गज़ब लगता है भाई। शायद देखने के लिए मिल जाए कोडी कटर, देखने के लिए मिल जाए तो यार मज़ा ही आ जाए कोडी कटर। और यार यार ये ना देख सकते हो समर स्लैम डिट्रॉइट की है जो भाई मैंने कम्युनिटी क्रिएशन से डाउनलोड करी है, तो इसकी ब्राइटनेस मुझे तो थोड़ी ज़्यादा लग रही है। तुम भी देख सकते हो भाई वाइट वाइट सा लग रहा है रिंग के अंदर। ओह भाई F5 बचा ली बंदे ने। पूरी क्रॉस रोड कनेक्ट, रेजिलेंस गया भाई ब्रोक का। रेजिलेंस बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात है, बच जाए तो बढ़िया है, वैसे तो मुश्किल है भाई, नहीं बचेगा। बोला था ना भाई नहीं बचेगा, रेजिलेंस यूज़ कर लिया है ब्रोक भाई। हारना ब्रोक यार, एक और फिनिशर यार ब्रोक जा सकता है भाई, जा सकता है यार। कोई किकआउट नहीं करता इतने पे अगर ये गया। ओ भाई साहब बंदे ने किकआउट कर दिया, बड़ी बात है भाई किकआउट करना। इतनी लो हेल्थ पे किकआउट किया है ब्रोक ने, गजब भाई यार। इसलिए बोलता हूँ मैं भाई ब्रोक बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इतनी लो हेल्थ पे किकआउट करना भाई बहुत बड़ी बात होती है। कोई और बंदा होता भाई किकआउट नहीं कर पाता इतने पे। बहुत सही ब्रोक, बहुत सही। जीतने के चांसेस तो यार देखो ब्रोक के बहुत कम हो चुके हैं क्योंकि रेजिलेंस भी है कोडी के पास, पर फिर भी उम्मीद रखते हैं भाई, उम्मीद पर दुनिया कायम है। देखते हैं शायद से ब्रोक कर पाए भाई प्रिवेल। शायद सिंह यार कोई टाइटल मैच तो है नहीं, ऐसे ही नॉर्मल सिंगल मैच, तो हार भी गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर बंदे तो यार दोनों ही सही लगते हैं मुझे, कोई भी जीते। ओ भाई साहब ये मून सोल देखा, खतरनाक लगा यार देखने में। टोंट वगैरह सब मार रहा है भाई कोडी, फुल फॉर्म में आज। अरे कोडी कटर लगा रहा है। ओ भाई साहब सही रिवर्स किया यार, अगर कोडी कटर इसके सेट हो जाता ना तो ब्रोक गया था। जर्मन सुप्लेक्स, बहुत सही ब्रोक, बहुत सही। खेल करने स्टार्ट कर यार ब्रोक। ये यार बच्चों वाले मूव क्या लगा रहा है, कुछ F5 वगैरह लगा इसके, तभी तो इसका रेजिलेंस जाएगा। अभी तो इसके पास रेजिलेंस भी है। ओहो भाई बोला F5 और F5 लगानी स्टार्ट कर दिया है। और ये कनेक्ट भाई F5 कनेक्ट कर दिया है, पिन तो नहीं होगा भाई। एक तो रेजिलेंस है बंदे के पास, और दूसरी बात अभी तो यार हेल्थ है बंदे की, तो इतनी जल्दी तो किक आउट नहीं करेगा कोडी भी। और यार ब्रोक की तो हेल्थ काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है, तो शायद से ब्रोक कर दे किकआउट एक और फिनिशर में। पूरी रिवर्स, बहुत सही DDT यार, ये भी खतरनाक लगती है कोडी की। तो अच्छा हुआ यार ब्रोक ने रिवर्स कर दिया, नहीं तो हेल्थ घुस जाती। और ये पंच, अरे भाई साहब पंच, बहुत सही ब्रोक। ओ भाई अरे यार एक और फिनिशर कनेक्ट कर दिया, अब बहुत मुश्किल है यार इसका बचना। नहीं बच पाएगा भाई, नहीं बच पाएगा, हेल्थ है। ओ भाई साहब किकआउट यार, ये बंदा क्या चीज़ है भाई ब्रोक, बहुत हार्ड बंदा है भाई यार, कहाँ से किकआउट किया है।
बहुत सही यार ब्रो, बहुत सही। DDT भी खा चुका है। अगर ये मैच नॉकआउट का होता ना भाई, तो अब तक नॉकआउट हो जाता ब्रो आराम से, इजी नॉकआउट है। पर कोई नहीं, ओ यार सारी चीज़ें खा रहा है यार, रिवर्स क्यों नहीं कर रहा भाई ब्रो, कुछ तो रिवर्स कर। लो कम बैक भी लगा दिया भाई कोडी ने, ये अगर पूरा लगा तो हेल्थ जाएगी इसकी। अरे भाई साहब पूरा खा लिया यार बंदे ने। उसके पास सिग्नेचर फिनिशर दोनों चीज़ आ चुकी हैं कोडी के। यार फिनिशर रिवर्स कर दियो भाई, अब फिनिशर रिवर्स कर ब्रोक। अरे भाई साहब कनेक्ट हो चुका है यार क्रॉस रोड। अब तो यार ऊपर से कोई भी आ जाए बचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई। बोला था भाई बहुत मुश्किल है समर स्लैम भाई, कोडी रोड जीत चुके हैं यार, सीन कर दिया ब्रोक के साथ। तो इसी के साथ यार पता चलता है कोडी रोड्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बंदा है, क्योंकि अभी तक मैंने जितनों के साथ भी मैच किया है ब्रोक का, तो भाई कोई हरा ही नहीं पाया ब्रोक को, रोमन तक नहीं हरा पाया। पर पता नहीं भाई कोडी में क्या चुल थी, कोडी ने खेल कर दिया यार ब्रोक का। बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है, बहुत सही कोडी, बहुत सही। ये कोडी भी यार कम्युनिटी क्रिएशन से डाउनलोड करा है, तो अजीब सा लग रहा है यार मैं देखने में, इसका थोड़ा टेक्सचर वगैरह देखो हिलता हिलता लग रहा है थोड़ा सा। चलो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, ब्रोक को यार डिफीट कर दिया बंदे ने। तो आज की वीडियो करते हैं इधर एंड, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।